अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रेटिफाइंग एक्सप्रेस में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस 18 के एपिसोड 16 के बारे में। करण खुल्ला अविनाश को ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लग रहा है उसका सारा गेम अविनाश के ही चारों तरफ घूम रहा है। करण विकी से मुस्काता है और साइड से निकल लेता है। वीकेंड के वार वाले दिन भी हमने देखा है जब गेस्ट आए हुए थे और कैसे उसने अविनाश को बोला, मैं तो तेरे बाप हूँ, बाप से तू सीख के जाएगा, पापा तुझे हर चीज़ सिखा कर जाएंगे। और अविनाश जब एविक्ट होकर के घर में वापस आए थे तो उनका गुस्सा जायज़ था, जिस तरीके से वो गुस्सा निकाल रहे थे। पर अब उनके साथ सारी चीज़ें ठीक होने लग गई हैं तो उनका तो अलग ही नखरे चलने लग गए हैं। सुबह सुबह आकर गुड मॉर्निंग बोलो, मुझे विश करो गुड मॉर्निंग, अविनाश के दिमाग के ऊपर तो पावर का नशा छा गया है, अब वो पागल ही हो चुका है पूरे से। सुबह सुबह सब आकर के उसे गुड मॉर्निंग बोले, अलग अलग तरीके के डिमांड रखने लग गए हैं अब तो ये। अबे तुम्हें निकलना भी है जेल से, जिंदगी भर जेल भी नहीं रहना तुम्हें बिग बॉस हाउस के, और ये पावर तुम्हारे से कभी ना कभी छिनाएगी या किसी और के पास जाएगी, तब तुम्हें पता चलेगा जिस तरीके से तुमने हरकतें की हैं अपनी। और यार बिग बॉस यार, शुरू के आधे घंटे तो इतने बकवास थे आज के एपिसोड के कि क्या बताएं। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है अर्जुन कहाँ जा रहा है, बैंकॉक जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, लंदन जा रहा है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें घर वालों के बारे में दिखाओ, कुछ अच्छा कंटेंट दिखाओ, झगड़ा वगड़ा कुछ दिखाओ यार। ऐसा लग रहा था जबरदस्ती के एक घंटा पुराने के लिए आपने ये चीज़ें डाल रखी है, अगर कंटेंट नहीं मिला कुछ तो करवाओ घर वालों से। बिग बॉस के डेली अपडेट्स देखने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करें, ग्रेटिफाइंग एक्सप्रेस बिग बॉस 18। बेचारी एलिस, उसने मजाक मजाक में अविनाश को कह दिया कि ईसा के दिन में तुम्हारे लिए कुछ है, उसे टीज करने लग गई, चिढ़ाने लग गई। ईसा को जब ये बात पता चली, अविनाश ने उसे बताया, तो ईसा गुस्सा हो गई, नाराज हो गई इस बात पर कि तुम मेरे दिल में तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि तुम मेरे दोस्त हो, सारे रिश्ते मेरे दिमाग में बिल्कुल दिल में बिल्कुल क्लियर है, मैं जानती हूँ मैं यहाँ पर ये सब करने वरने नहीं आई हुई हूँ। उसके कुछ देर बाद ही हमने ये देखा अपने दोनों हाथों को अविनाश के पास जेल के अंदर करके बोल रही, बातें करने लग गई है, अविनाश ने उसका हाथ पकड़ रखा है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मुझे लगता था कि चाहत ही बहुत बड़ी फेक है, लेकिन नहीं 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 ईसा भी फेक है, एक्टिंग कर रही है अभी, धीरे धीरे सबके चेहरे उतर रहे हैं, चेहरे पे चेहरे जिसने चढ़ा रखे ना सब, ये बात तो मैं कन्फर्म से बोल रही हूँ। कुछ एपिसोड के बाद ही अविनाश और ईसा दोनों के लव अफेयर्स चालू हो जाएंगे, यही दिखाने वाले हैं। ऐसा लग रहा है टीना दत्ता वाला सीन ऐसा लग रहा होने वाला है इसमें। मुस्कान यार कुछ तो बोल दो, हमें खोजना पड़ता है पूरे एपिसोड में, मुस्कान कहाँ है, मुस्कान कहाँ है, कब बोलेगी मुस्कान। तुम किसी से बात भी कर लो ना तो हमें पता चले, तुम्हें जगाने की जरूरत नहीं है, तुम कम से कम किसी से बात कर लो, कुछ तो बदमस्ती कर लो। हम व्यूअर्स को खोजना पड़ता है कि मुस्कान कहाँ पे बैठी होगी, कहाँ पे है, ऐसा लगता है कि कैमराज को भी तुम्हें नहीं दिख पाते हैं। शिल्पा जी तो लगी हुई है आजकल विवेन के पीछे से, विवेन तुमने बोला नहीं अविनाश के खिलाफ, विवेन तुमने ऐसा क्यों बोला, विवेन क्यों, अरे सब चीज़ें शिल्पा जी आपको विवेन से ही चाहिए, खुद भी कर लो कुछ, खड़े हो जाओ अपने लिए स्टैंड ले लो, क्यों विवेन चाहिए आपको, क्यों कोई और नहीं चाहिए, हर चीज़ में शिकायत विवेन से क्यों आपकी हो रही है। एक टास्क हुआ पीड़ित एपिसोड में वोटिंग वाला, रजत वर्सेस हमारे पुराने वाले टाइम गॉड आफरीन, सॉरी अरफीन, वो माइंड कोच है ना, इसलिए हमारा भी कभी कभी माइंड घूम जाता है उन्हें समझने में, तो नाम क्या चीज़ है उनकी। बिग बॉस ने टाइम गॉड बनने के लिए रजत को चूज किया और उसके बाद दोनों के बीच में इलेक्शंस हुए। बिग बॉस कुछ अच्छे टास्क कराओ यार, हमें मजा आए, ये क्या तुच्छे से वोटिंग करवा रहे हो तुम, पहले के एपिसोड्स में कैसे पहले के सीजन्स में आए होते थे टास्क, वैसे टास्क कराओ, इम्यूनिटी टास्क, पता नहीं क्या क्या टास्क, सिद्धार्थ शुक्ला वाले में जैसे चल रहा था वो सब कराओ ही ना। हाँ तो फिर रजत दलाल और अरफिन के बीच में इलेक्शन होता है कौन टाइम गॉड बनेगा, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकलता क्योंकि दोनों के पक्ष में बराबर बराबर वोट्स आते हैं, टाई हो जाता है, 8-8 वोट्स दोनों को मिलते हैं, इसलिए इस हफ्ते हमें कोई टाइम गॉड देखने के लिए नहीं मिलने वाले हैं। पर सलमान खान सर ने अपने वीकेंड के वार पर बोला था इस हफ्ते पावर्स की बौछार होने वाली है, सिर्फ पावर्स बटेंगे, तो इस हफ्ते देखने में मजा आएगा किसे किसे पावर्स मिलती है, किनके किनके हाथ से पावर्स जाने वाली है। तो इस पूरे हफ्ते कोई भी टाइम गॉड नहीं होने वाला है, ईसा और रजत दलाल तो पहले से ही रेडी है,
अब तो हमें जो मन करेगा तब वो करेंगे, जब मन करेगा सोएंगे। कल के एपिसोड्स में हम देखने वाले नॉमिनेशंस, और बिग बॉस का लाडला तो विवियन है, लेकिन घर के लाडला या लाडली कौन है ये भी देखने को मिलेगा अगले एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड देखना ना भूले, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी कर दे यार।